हेलो बच्चों, तो हेडिटी के इस पार्ट 4 में अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो करेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो ट्रांसमिट होके नेक्स्ट जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और वी कैन से हाउ डू ट्रेड्स गेट्स एक्सप्रेस्ड। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन की, राइट? तो देखो, अभी तक आपको ये तो पता है कि जो डीएनए है किसी भी सेल में, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स, है ना? तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और उसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग होती है। ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और उस मैसेंजर आरएनए से ही प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। अब जो डीएनए का पेयर है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब अगर किसी सेल में जीन प्रॉपरली काम कर रहा है तो डिजायर्ड अमाउंट में प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, और वो प्रोटीन जिस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो काम भी एफिशिएंटली होता रहेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन, और इस ग्रोथ हार्मोन को, जीएच को कौन कंट्रोल कर रहा है? दिस ग्रोथ हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। अब अगर ये जीन सफिशियंट अमाउंट में एफिशिएंटली काम कर रहा है तो प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल होगी। अगर ये ग्रोथ हार्मोन या ये जीन एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगी, और अगर ये कम अमाउंट में है तो ड्वार्फ हो जाएगा प्लांट। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स में हम देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में अगर हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन प्रॉपरली काम कर रहा है तो नॉर्मल ग्रोथ होगी, लेकिन अगर वो अपना हार्मोन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है, जीएच, तो जायंटिज्म हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एबनॉर्मली 7 फीट 7.5 फीट के हो जाते हैं, और अगर कम अमाउंट में होता है तो लोग 2 फीट 3 फीट के भी हो जाते हैं, तो ड्वार्फिज्म या जाइंटिज्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया ना बच्चों कि जीन जो है, जो पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्मेशन करता है, अगर वो चेंज होता है तो जो उससे रिलेटेड प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, और जो फंक्शन वो रेगुलेट कर रहा है वो भी इनडायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा। तो दोनों के दोनों, अगर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, बोथ जो पेरेंट हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो पेरेंट से, दोनों से इक्वली आता है, मैटरनल भी और पैटरनल भी, फादर से भी और मदर से भी। अब जो गैमेट बनते हैं वो गैमेट फ्यूज करके जायगोट की फॉर्मेशन कर देंगे। तो एक कॉपी ऑफ द जीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बोथ पेरेंट, सो ए कॉपी ऑफ द जीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, और वो डिपेंड करेगा कि किसका कैरेक्टर डोमिनेंट है, फादर का कि मदर का। तो नेक्स्ट जनरेशन में या ह्यूमन बींग्स के केस में बच्चे में वही कैरेक्टर दिखाई देता है। तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसको कह देते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है ना बच्चों? तो आपको समझ में आ गई बात? पूरा एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या बातें हमने करी। कि देखिए, सीधी सी बात थी कि हमारे पास है डीएनए, डीएनए के ऊपर है जीन, जीन कंट्रोल करता है किसी प्रोटीन के सिंथेसिस को, एंड दिस प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ यूनिक कैरेक्टर, राइट? तो एक सेल है, सेल में क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट था जो कि फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी। अब जब सेल डिवीजन होता है तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर चेंजेस इनटू रोड शेप्ड क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन हो जाता है। ऑन क्रोमोसोम जीन्स आर प्रेजेंट जिसका नंबर फिक्स होता है पर्टिकुलर स्पीशीज में, और ये जीन की कॉपी दोनों पेरेंट से, फ्रॉम पेरेंट ए कॉपी ऑफ द जीन
इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ गैमिट्स. सो इन दिस वे करेक्टर ट्रांसमिशन अकर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. आप समझ में आ गई बात बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में. चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. देखो वो प्रोसेस जिसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड होता है उसके जेनेटिक मटेरियल की कंपोजिशन के बेसिस पे, उसको कह देते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. दो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में, एनवायरमेंटल एंड क्रोमोसोमल. एनवायरमेंटल एंड क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जब एबायोटिक फैक्टर्स, जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर या पोल्यूशन, इस तरह के फैक्टर जब सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करें तो वो कहलाएगा एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. जबकि जो दूसरे हायर एनिमल्स हैं उसमें क्रोमोसोम के हेल्प से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. तो जो डिफरेंट स्पीशीज हैं दे यूज वेरी डिफरेंट मेथड्स फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें से कुछ एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं. तो जैसे रेप्टाइल्स की हम बात करें तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है टू डिटरमिन सेक्स ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म. एलिगेटर्स का मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, रेप्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं, एलिगेटर्स हो गए, टर्टल्स हो गए, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स, वहां पे जो टेम्परेचर है इंक्यूबेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर टर्टल्स की मैं बात करूं तो 28 डिग्री से लेस है अगर टेम्परेचर देन मेल्स आर प्रोड्यूस्ड. लेकिन अगर टेम्परेचर अबोव 33 डिग्री सेल्सियस हो जाता है देन फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड. तो टेम्परेचर हेल्प कर रहा है इन सेक्स डिटर्मिनेशन. एलिगेटर्स में भी ऐसा ही होता है कि अगर इंक्यूबेशन पीरियड 30 डिग्री या उससे बिलो है तो फीमेल प्रोड्यूस होंगी, 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो मेल प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, लाइकवाइज इन क्रोकोडाइल ऑल्सो हाई टेम्परेचर मेल लेंस को प्रमोट करता है, लो टेम्परेचर फीमेल लेंस को प्रोड्यूस करता है या प्रमोट करता है. राइट, तो एनवायरमेंटल फैक्टर जब डिसाइड कर देते हैं देन इट इज नोन एज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. स्नेल्स में इसी तरह से होता है, इंडिविजुअल अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं तो इसका मतलब वहां पे भी सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमिंड. बोनेलिया का आप एग्जांपल ले सकते हैं. दूसरा एनालिड होता है. तो इन बोनेलिया क्या व्हाट हैपेंस, यहां पे जो ये खुद ऑर्गेनिज्म है जो वॉर्म है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है सेक्सुअली. जैसे ही कोई लार्वा ग्रोन फीमेल के कॉन्टेक्ट में आता है, लार्वा प्लस ग्रोन फीमेल व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट, तो क्या होगा, तो स्मॉल मेल प्रोड्यूस हो जाएगा और वो स्मॉल मेल एंटर कर जाता है फीमेल की बॉडी में और एज ए पैरासाइट रहता है इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल. ठीक, तो ये तो आ गया सारा एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात. नाउ हाउ द सेक्स ऑफ न्यू बोर्न इंडिविजुअल इज डिटर्मिन्ड, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की. राइट, तो ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन या एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है. क्रोमोसोमल या एलोसोमिक या क्रोमोसोमल. राइट, अब यहां पे कैसे होता है जी, कि मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो होते हैं डिप्लोइड, तो वहां पे दो तरह के क्रोमोसोम्स होंगे. एक क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम, जिनको हम क्या कहते हैं, एलोसोम, और दूसरे क्या हो जाते हैं, बाकी जो इसके अलावा क्या हो जाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोसोम्स. तो ह्यूमन बीइंग्स में 22 पेयर्स तो किसके होते हैं, ऑटोसोम्स के, और एक पेयर XX इन फीमेल्स एंड XY इन मेल, वो क्या हो जाता है, सेक्स क्रोमोसोम का. तो ये जो लास्ट क्रोमोसोम है ये डिटरमिन करता है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. अब यहां पे आप देख रहे हो मेल में दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं, तो इट इज नोन एज हेट्रोगेमेटिक, और फीमेल्स में दोनों सेम है तो क्या कहलाएगी, होमोगेमेटिक. सो फीमेल्स आर होमोगेमेटिक बट मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक इन ह्यूमन बींग्स, या हेट्रोजाइगस भी आप कह सकते हो. ठीक,
तो किस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन होगा बताओ। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ह्यूमन क्रोमोसोम्स में मैटरनल और पैटर्नल दोनों की कॉपी आती है, वो बाकी के जो पेयर्स हैं जिनको हम ऑटोसोम्स कह देते हैं, लेकिन जो लास्ट पेयर है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, फीमेल में है एक्स एक्स तो वो होगी होमोगेमेटिक, और मेल में क्या है वो एक्स वाई तो वो हो गया हेट्रोगेमेटिक। ठीक, तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये हेट्रोगेमेटिक है दोनों तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा एक्स और वाई क्रोमोसोम वाले, तो अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ कंबाइन करता है तो जायगोट कैसा होगा, एक्स एक्स एंड फीमेल इज बोर्न। बट अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करता है, ए बॉय चाइल्ड और मेल इज बोर्न, राइट। सो जो न्यू बोर्न बेबी है इट इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, क्योंकि वो है होमोगेमेटिक है, उसमें तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो बच्चा चाहे जो नेक्स्ट जनरेशन का वो चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, उसमें एक्स क्रोमोसोम कहां से आएगा, एक मदर से। अब वाई क्रोमोसोम अगर मदर का सॉरी फादर का मदर के एक्स के साथ कंबाइन कर जाएगा तो बॉय इज बोर्न, और अगर फादर का एक्स मदर के एक्स के साथ कंबाइन कर जाएगा तो गर्ल चाइल्ड इज बोर्न। तो हमारी सोसाइटी में बड़ा मिसकंसेप्शन है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। वैसे तो किसी को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते कि बिकॉज इट इज अ रैंडम फ्यूजन, ये चांस है 50-50% का चांस है, लेकिन अगर ब्लेम भी करना है तो आप मेल को कीजिए ना, क्योंकि मेल के पास वाई क्रोमोसोम है, फीमेल के पास तो है ही नहीं, राइट। सो इन दिस वे सेक्स डिटरमिनेशन अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। और कुछ दूसरे टाइप के भी सेक्स डिटरमिनेशन के मेथड्स होते हैं, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप का होता है, ह्यूमन फीमेल में तो मेल आर हेट्रोगेमेटिक, लेकिन कुछ फीमेल्स भी हेट्रोगेमेटिक होते हैं, जैसे मोथ्स में बटरफ्लाइज में जेड नॉट जेड जेड टाइप, ठीक है, मोथ और बटरफ्लाइज में, या रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और मैमल्स में, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। हेट्रोगेमेटिक मेल एक्स 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 वाई मेल का हो गया मैन का, उसके अलावा ड्रोसोफिला एक्स 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 नॉट इन ग्रास ऊपर। अब एक वर्ड और होता है यहाँ पे, एक और वर्ड हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको बच्चों हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको क्या कह देंगे हम पार्थिनोजेनेसिस। ये किस में होता है, कोई एग्जांपल बता सकता है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, पार्थिनोजेनेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, किसी को आइडिया है। मेल हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है, इसलिए मेल हनी बी इज ऑलवेज हैप्लोइड, जबकि फीमेल्स चाहे वो वर्कर हैं चाहे वो क्वीन है, वो सारी की सारी कैसे होंगी, डिप्लोइड होंगी। याद रह जाएगा आपको, अगर यही प्रोसेस प्लांट में होती है तो उसको कह देते हैं बच्चों पार्थिनोकार्पी इन प्लांट्स। ठीक, याद रह जाएगा आपको। चलिए, तो ये आपका चैप्टर था, क्योंकि इसमें एक पार्ट अब डिलीट कर दिया गया है, इवोल्यूशन वाला पार्ट, तो अब सिर्फ आपको हेडिटी वाला पार्ट पढ़ना है। तो हमने टर्मिनोलॉजी की बात कर ली, हमने मेंडल का कंट्रीब्यूशन देखा, मेंडल के लॉज को डिस्कस किया, कैसे ट्रेट्स एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को एंड हाउ सेक्स डिटरमिनेशन अकर्स। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अभी तक कोई कंफ्यूजन है आपको तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, राइट। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बायोनीति के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिए बेटा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस या कुछ पीवाईक्यूज भी, अगर आप कहेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं।